बिलासपुर शहर की सड़कों पर बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन दौड़ाना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि इन दिनों बिलासपुर पुलिस प्रशासन द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया है, जिसके तहत बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन चलाने वालों के चलान किए जा रहे हैं। पिछले कल से शुरू हुए इस अभियान के तहत जगह जगह नाके लगाकर जहां नियमों को तोड़ने वाले चालकों के चलान किए जा रहे हैं, वहीं उन्हें हेलमेट पहनने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। अभी तक पुलिस ने करीब 68 चालान करके 8,400 रुपए जुर्माना वसूला। सदर पुलिस थाना के SHO यशवंत ठाकुर ने अपनी टीम के साथ गुरुद्वारा चौक पर नाका लगाकर बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन चलाने वालों के चलान किए। इस दौरान कई वाहन चालकों के पास गाड़ी से संबंधित कागजात भी नहीं थे और कई गाड़ियों के नंबर प्लेट नहीं थी। ऐसे वाहन चालकों पर भी पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। इस बारे में SHO यशवंत ठाकुर ने कहा कि अब बिलासपुर में दो पहिया वाहन पर सवार चालक और पीछे बैठे व्यक्ति के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। यदि कोई वाहन चालक इसकी अवहेलना करता है तो उसका चालान किया जाएगा। उन्होंने लोगों से वाहन कम स्पीड में चलाने सहित हेलमेट का प्रयोग करने का आग्रह किया है। जो लोगों को हेलमेट पहनाना चाहते हैं और जो नहीं पहनेंगे उनके हम MB एक्ट के रेलेवेंट सेक्शन से चालान करेंगे। ये कब से लागू हो गया सर? ये हमने पिछले कल से हमने इसको शुरू कर दिया है। हमारा जनता से आग्रह है, बिलासपुर की जनता से, कि वो जब भी दुपहिया वाहन चलाए तो उसकी अपनी दुपहिया वाहन की स्पीड कम रखें और साथ में जो भी राइडर और पिलियन राइडर हैं दोनों ही हेलमेट पहने, ताकि हम बिलासपुर की सड़कों को सेफ बना सकें जनता के लिए।